गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड आई होप यू ऑल आर वेल। एज वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 6 और हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी कि कौन कौन तरह से तरह के प्रोसेसेस पे हम बात कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। फिर हमने एक्सप्लेन किया था कि हम इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो आगे की हम सारी चीजें बात काफी चीजें जो है वो इंटरनल एनर्जीज पे बात करेंगे। एंथैल्पी क्या है, ये हमने छोटे 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 टर्मिनोलॉजी जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज आएंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आफ्टर दैट इन टुडे लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, क्या हम सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं आज लॉज बेस्ड ऑन दी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉ है और उन लॉ में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फिर उसके बाद उनकी कैलकुलेशन एंड देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो वन बाय वन हम उन पे जाएंगे। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के देयर आर 3 लॉ, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो बेसिकली जैसा कि बोला जाता है कि जीरो लॉ पहला आया हुआ, फिर फर्स्ट लॉ और फिर सेकेंड लॉ, हुआ यह है कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स के वो तो हमारे पहले एक्सप्लेन हो चुके थे, उसके बाद जीरो लॉ आया था। तो जीरो लॉ क्या कहता है, यदि थर्मोडायनेमिक्स के जीरो लॉ पे जाओ तो जीरो लॉ क्या कह रहा है कि जीरो लॉ ये कह रहा है कि जब भी कोई दो सिस्टम आपस के अंदर रखे जाते हैं जिनका टेम्परेचर इक्वल है, तो उनके बीच में कभी भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा एंड दे आर सेट टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब भी वर्ड आता हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम के अंदर जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हम यहाँ बात करते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग में क्या डिफरेंस है। तो दो सिस्टम है ए एंड बी, अज्यूम वी हैव अ टू सिस्टम ए एंड बी, और ए और बी की सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों का टेम्परेचर इनकी क्या है, सेम है, यानी कि दोनों के पास हीट एनर्जी जो है वो बिल्कुल सेम है, तो देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ एनी हीट एनर्जी एंड दे आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम पर ही क्या है हमारा जीरो लॉ है वो बेस्ड है, जो किसने दिया था, डेल्टा गिवन बाय हाफ फुलर, और उन्होंने क्या बोला फुलर ने कि जब दो सिस्टम आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई सिस्टम है ए और दूसरा कोई सिस्टम है बी, इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल क्या है एक जैसा है, तो ये दोनों आपस में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं है। तो जब ऐसे दो सिस्टम है विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो कोई थर्ड सिस्टम जो होगा जिसका भी टेम्परेचर क्या है सेम हो, तो कोई हमारे पास एक तीसरा सिस्टम है जिसका भी क्या है टेम्परेचर सेम है, तो दे आर इन ऑल आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, यानी कि ए और बी तो पहले ही क्या है हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम है, और कोई तीसरा सिस्टम है जो क्या है सेम टेम्परेचर को वर्क कर रहा है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इनके तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करने का मतलब है इन तीनों के बीच में क्या होगा हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि मान लीजिए कोई एक है सिस्टम ए जिसका टेम्परेचर T1 है और कोई सिस्टम है बी जिसका टेम्परेचर T2 है, और हमने अज्यूम किया है T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 से हीट क्या होगी ट्रांसफर होगी किधर T2 तक, यानी कि T1 की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी किधर जा रही है T3, यानी कि सिस्टम बी पर जा रही है, और ये ट्रांसफर कब तक चलेगा जब तक कि दोनों की एनर्जी जो है हीट का ट्रांसफर या दोनों की एनर्जी जो है वो बराबर पे ना आ जाए, यानी ए की एनर्जी कम होगी और बी की एनर्जी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों के बीच में जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा स्टॉप, यानी कि अब ए सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो ये हमारा जीरो लॉ है जो हमारे एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करता है, इट विल बी एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ हीट कि वो हीट पे ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम दिस हायर कंसंट्रेशन जहाँ भी हीट ज्यादा होगी वहां से जो लोअर अमाउंट है वहां पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और तब तक होगा जब तक कि वो बराबर ना आ जाए, वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए, ये हमारा जीरो लॉ है। फिर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ की, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है,
और काफी चीजों को एक्सप्लेन करेगा। आगे हम इसमें बात करेंगे रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है या इनरिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है, तो हमारे इंटरनल एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी हम चीजें बात करेंगे। और फर्स्ट लॉ है वो किसने दिया है, फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे को दिया है रॉबर्ट मेयर और रेनोल्ड्स ने दिया है। और ये जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ हमें क्या बता रहा है, फर्स्ट लॉ बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है ऑल ओवर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बिफोर वी मूव, जब उसने वर्क किया है या उसने काम हुआ है तो अब वर्क डन या हीट ट्रांसफर जो भी हो रही है उसके बाद उस सिस्टम की एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है, वो हमारे को उसने एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन किया था थर्मोडायनेमिक्स के। अब थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हमारे उसको दिए गए हैं इसके लिए, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ये बोल रहे हैं कि जो एनर्जी है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है कि जब भी किसी सिस्टम में कोई वर्क हो रहा है तो उस सिस्टम की वर्क हो रहा है, इट विल बी वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, कुछ भी हो या हीट ट्रांसफर हो, एब्जॉर्ब हो या लिबरेटेड हो, कुछ भी ऐसा कोई भी प्रोसेस हो रहा है थर्मोडायनेमिकली, तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है दैट विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि इनिशियल और फाइनल जो होगी वो हमेशा बराबर होगी, इक्वलाइज होगी। इनिशियल जितनी भी एनर्जी थी वो आफ्टर दी थर्मोडायनेमिक चेंज, जो भी उसमें थर्मोडायनेमिक चेंज हुआ है उसके बाद जो फाइनल एनर्जी होगी वो बराबर होगी, ये हमारे फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अब इस फर्स्ट लॉ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें या समझे, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो हमें मालूम है कि जब भी कोई थर्मोडायनेमिकली चेंज होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई ना कोई थर्मोडायनेमिकली चेंज होगा तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। और वो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या करती है, उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर चेंजेस करती है। तो लेट हमने मान लिया कि इनिशियल उसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की यू आई थी और फाइनल एनर्जी क्या हो गई, यू एफ हो गई। तो चेंज जितना होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू यू एफ माइनस यू वन। अब मान लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि एक सिस्टम है ए, ठीक है, इस सिस्टम ए की इनिशियल एनर्जी कितनी है, यू वन। इनिशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी कितनी है, यू वन है। आफ्टर द वर्क डन, ठीक है, हमने क्या बोला, इस सिस्टम में वर्क डन ऑन सिस्टम, यानी कि सिस्टम पर काम हुआ। इफ द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड ड्यू टू द वर्क डन ऑफ द सिस्टम इट, वी अज्यूम द डब्ल्यू वर्क डन इज देयर एंड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम इट एब्सॉर्ब क्यू अमाउंट ऑफ क्या किया, क्यों अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर ली है। तो इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, मान लीजिए कुछ चेंजेस आए और इसकी एनर्जी कितनी हो गई, यू टू हो। तो ये जो यू टू है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्या कह रही है, इसके बराबर होगी कि जितना हमारे पास चेंजेस हुआ नेचर की प्लस कितना होगा क्यू, यानी कि यू वन में हम इतनी एनर्जी क्या हो गई, एड हो गई, यू वन प्लस क्यू हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू टू आ गया। अब क्योंकि इसमें सिस्टम में वर्क डन ऑन द सिस्टम ही हुआ है, तो यानी कि हम इसके अंदर जब वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हुआ है, हम पहले समझ चुके हैं कि सिस्टम पर वर्क हुआ है तो कुछ ना कुछ एनर्जी सिस्टम की ऊपर लगी है, सिस्टम ने कुछ एनर्जी को लॉस नहीं किया है, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि यू टू इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, यू वन प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको ये हम इधर ले जा रहे हैं कि U2 minus U1 equal to क्या आ गया, U plus W, और U2 minus U1 मतलब हमारे पास final minus initial, इसको हम क्या लिख सकते हैं, delta U equal to Q plus W। तो हमारी इन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस हो रहा है वो कितना उसने एब्जॉर्ब किया प्लस कितना वर्क डन हुआ। इन केस यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम के जरिए वर्क डन
बाय सिस्टम हो जाएगा, क्या हो गया, वर्क डन बाय सिस्टम हो तो हमें मालूम है कि वर्क खुद सिस्टम करेगा तो उसकी एनर्जी और लॉस होगी, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी जुड़ेगी नहीं, वो खुद अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो उस टाइम हम वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, माइनस करके रखेंगे और हमारा यही फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस करके हो जाएगा। सेम यदि एनर्जी रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब ना हो रही है तो क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि हमने हमारे सिस्टम ने किस तरह से वर्क किया है। तो ये हमारा कुछ जनरलाइज्ड फॉर्मूला है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की क्यू प्लस डब्ल्यू की कि हमारे पास ये आ गया क्यू प्लस डब्ल्यू, तो अब हम एक कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी पे वर्क डन कैसे हो रहा है, कब क्या करना है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि इरिवर्सिबल यदि वर्क डन हो रहा है या रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंजेस हो रही है। थैंक यू।